Hello everyone, today we are going to discuss one more numerical of strength of material. Name of chapter is Principal Stresses and Strains. First of all, थोड़ी सी theory, like last numerical, जो हमारी theory है वो same है. इस chapter में हम क्या करते हैं, इस chapter में अभी तक हमने जो force होता है उसके perpendicular direction में जो plane होता है उसमें stresses and strains निकाली थी, जो हमारे last two chapters थे. इस chapter में क्या करते हैं, हम एक inclined plane पे निकालते हैं stresses and strains. तो यहाँ पे हमें stress find करनी है. केस क्या है, अ मेंबर सब्जेक्टेड टू लाइक डायरेक्ट स्ट्रेसेस इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, एक ये एंड एक ये, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में स्ट्रेसेस लग रही हैं, ये सिग्मा एक्स एंड ये सिग्मा वाई लग रही है. एंड एक एंगल थीटा, जो ये वाला प्लेन है इससे एंगल जो थीटा बना रही है, बना हुआ है, इस वाले प्लेन पे हमें स्ट्रेस फाइंड करनी है. तो स्ट्रेस फाइंड करने के लिए दो टाइप की स्ट्रेसेस हम देखेंगे, शेयर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस. हमने डेरिवेशन पूरा लास्ट वाले न्यूमेरिकल में देख रखा है, बस हम इसमें रिजल्ट देखेंगे. रिजल्ट हमारा क्या आता है, जो टाउ थीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास, जो टाउ थीटा की वैल्यू आती है वो सिग्मा बाई माइनस सिग्मा एक्स बाई टू साइन टू थीटा. मोस्ट ऑफ आर न्यूमेरिकल जो सिग्मा एक्स की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर देन सिग्मा बाई की. तो इससे क्या होगा, हमारे जब सिग्मा हमारा एक्स ज़्यादा होगा सिग्मा बाई से, तो ये वैल्यू हमारी निगेटिव आ जाएगी. तो जब ये वैल्यू निगेटिव आएगा इसका मतलब क्या है, जो हमने इसको ऊपर टाउ थीटा को मान रखा है, ये टाउ थीटा नीचे है, तो इसको हम पहले ही मान लेते हैं कि ये नीचे है. इसके लिए क्या हम कर लेते हैं कि ये ऊपर की तरफ दिख रहा है, ठीक है, अभी माना तो ऊपर की तरफ मानते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, सिग्मा बाई माइनस सिग्मा एक्स. लेकिन अगर हम इसकी तरफ इसको मान लें कि ये नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये वाला हमारा फॉर्मूला आ जाता है. तो जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हमें किसी माइनस से डील नहीं करना पड़ता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. एंड ध्यान रखेंगे जो टाउ थीटा की वैल्यू है वो नीचे की तरफ है, डेरिवेशन के टाइम हमने इसको ऊपर की तरफ माना, इसीलिए हमारी वैल्यू जो थी वो ये आ रही थी. बट अब हमने इसको चेंज कर लिया, इसकी डायरेक्शन नीचे तरफ कर दी, तो हमारी ये वाली वैल्यू आएगी. ये फॉर्मूला हमें याद रखना, टाउ थीटा का फॉर्मूला, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई बाई टू साइन टू थीटा. एंड जो हमारी यहाँ पे सिग्मा थीटा होता है उसकी वैल्यू क्या आती है, वो ये आती है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई बाई टू कॉस टू थीटा. सो हमें ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, ये फॉर्मूले लगेंगे. एंड एक और बात हमें देखनी है, यहाँ पे जो हमारा न्यूमेरिक जो हमारा डेरिवेशन हमने किया था, हमने लाइक डायरेक्ट स्ट्रेसेस के लिए किया था. लाइक ये भी टेंसाइल है, ये भी टेंसाइल है, अगर इनमें से कोई कंप्रेसिव होगी हमारे न्यूमेरिकल में तो हम उसको माइनस लेके चलेंगे. नाउ अगर हम रिजल्टेंट स्ट्रेस की बात करें, तो एक हमारे यहाँ पे सिग्मा थीटा है, एक टाउ थीटा है, तो कुछ कुछ रिजल्टेंट स्ट्रेस होगी. तो वो रिजल्टेंट स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारा सिग्मा आर इक्वल टू अंडर रूट के अंदर सिग्मा थीटा स्क्वायर प्लस टाउ थीटा स्क्वायर. बाकी यहाँ पे जो कॉस होती है, कॉस का एक और टर्म होता है, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. वो बिकॉज यहाँ पे जो हमारे दोनों के बीच एंगल है वो 90 डिग्री है, तो ये हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा. नाउ अब हम एंगल देखते हैं कि ये एंगल जो है वो क्या है. तो एंगल के लिए क्या होगा, द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट स्ट्रेस विद द नॉर्मल ऑफ द ऑब्लिक प्लेन इज नोन एज ऑब्लिक्यूटी. ठीक है, अब ये जो फाई है, फाई क्या होगा, हमारा जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल स्ट्रेस के साथ क्या एंगल बनाएगा, वो हमारा फाई होता है. ठीक है, तो यही हमारा डायरेक्शन बताता है हमारा. तो टेन फाई क्या हो जाएगा, टाउ थीटा अपॉन सिग्मा थीटा. ठीक है, टेन फाई इक्वल टू ये हमारा टाउ थीटा अपॉन सिग्मा थीटा. तो ये दोनों हमें फॉर्मूले ये भी याद रखने हैं. नाउ लेट्स कम टू आर क्वेश्चन. आर क्वेश्चन इज द स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट इन अ बार आर 200 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर टेंसाइल एंड 100 न्यूटन पर एम एम कंप्रेसिव. हमारे पास एक बार है, उसमें दो स्ट्रेसेस दे रखी, एक टेंसाइल दे रखी है एंड एक कंप्रेसिव दे रखी. कंप्रेसिव का मतलब क्या है, अंदर की तरफ ऐसे लगना चाहिए, लेकिन अगर इसको हम बाहर की तरफ करेंगे तो हम इसका साइन चेंज कर सकते हैं, माइनस 100 लिख सकते हैं. इसके लिए हमें डिटरमाइन करना है रिजल्टेंट स्ट्रेस, सिग्मा आर की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों. इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है एंड डायरेक्शन भी निकालना है, इसका मतलब हमें फाई की वैल्यू भी चाहिए. ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ मेजर स्ट्रेस. हमारा जो एंगल है वो हमें 60 डिग्री दे रखा है, किससे, मेजर जो मेजर स्ट्रेस है उसकी एक्सिस से. मेजर स्ट्रेस क्या है हमारी, ये वाली है. ठीक है, ये मेजर स्ट्रेस है, तो इसकी एक्सिस क्या हो जाएगी, ये इसकी एक्सिस हो जाएगी. इसकी एक्सिस से जो एंगल हमें दे रखा है वो हमें 60 डिग्री दे रखा है. अच्छा, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसमें एंगल क्या होता था, उसमें हमारा एंगल ये वाला होता था, ये होता था थीटा. बट यहाँ पे हमें थीटा नहीं दे रखा है, हमें यहाँ पे ये वाला एंगल दे रखा है. ठीक है, तो इसके लिए हमें ये वाला एंगल निकालना होगा. ये एंगल कैसे निकलेगा, ये हमारा 90 डिग्री है, तो
ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस 60, ठीक है। तो 90 माइनस 60 इसका मतलब 30 डिग्री हो जाएगा, तो हम लिख लेते हैं। अच्छा सॉरी, और उसके बाद हमें एक सेकेंड केस भी, वो हम बाद में देख लेंगे, पहले हम फर्स्ट केस निकालते हैं। हम सिग्मा आर एंड फाई की वैल्यू निकालते हैं, मेजर जो स्ट्रेस है एंड माइनर जो स्ट्रेस है, दोनों स्ट्रेस लिखी हुई। एंगल हमें चाहिए था, हमें एक एंगल दे रखा था, लेकिन ये थीटा की वैल्यू नहीं थी, थीटा की वैल्यू हमारी ये वाली जो होती, इस प्लेन से जो एंगल बनाते वो होते। तो इसको निकालने के लिए 90 माइनस 60 करेंगे, देन वी विल गेट 30 डिग्री, ये हमारी थीटा की वैल्यू हो जाएगी। अब सिग्मा आर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा आर इक्वल टू सिग्मा थीटा स्क्वायर प्लस टाउ थीटा स्क्वायर एंड अंडर रूट के अंदर। तो पहले सिग्मा थीटा निकालते हैं, सिग्मा थीटा मीन्स नॉर्मल स्ट्रेस। यहाँ पे हमने सिग्मा थीटा को सिग्मा एन से दिखाया, लेकिन एक ही बात है, चाहे सिग्मा थीटा या सिग्मा एन। इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा। सिग्मा एक्स को हमने यहाँ पे सिग्मा वन एंड सिग्मा वाई को सिग्मा टू से दिखाया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारी वैल्यूज पुट करेंगे देन हमें सिग्मा थीटा या हम कह सकते हैं सिग्मा एन की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 125 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। नाउ सिग्मा थीटा की वैल्यू निकल आई, तो अब हम टेंजेंशियल स्ट्रेस मींस टाउ थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो टाउ थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई बाई टू साइन टू थीटा। तो यहाँ पे बस हमने इसको सिग्मा वन एंड सिग्मा टू से डिनोट किए, सारी वैल्यूज पता है, तो हमें टाउ थीटा की भी वैल्यू मिल जाएगी। नाउ हमें सिग्मा थीटा एंड टाउ थीटा दोनों की वैल्यू मिल गई, मीन सिग्मा एन एंड सिग्मा टी दोनों की वैल्यू मिल गई, तो हम सिग्मा आर की वैल्यू निकाल देंगे, मीन्स हमें मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया। अब हमें डायरेक्शन भी निकालनी है, तो डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, हमें टेन फाई की वैल्यू निकालनी होगी। टेन फाई इक्वल टू हमारा क्या होता था, यहाँ पे टाउ थीटा अपॉन सिग्मा थीटा, ठीक है। तो टाउ थीटा एंड सिग्मा थीटा दोनों की वैल्यू रखेंगे, देन वी विल गेट 1.04, ये हमें मिला यहाँ। टेन फाइव इक्वल टू दिस वन, तो फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो 46 डिग्री 6 मिनट मिलेगी, ठीक है। अगर डायरेक्शन दिखाना जाए तो ये हमारा क्या हो गया, सिग्मा एन हो गया, ये हमारा सिग्मा टी हो जाएगा, यहाँ पे कोई हमारा सिग्मा आर होगा, और ये एंगल हमारा 5 डिग्री होगा। नाउ कम टू सेकेंड केस, हमारा जो फर्स्ट केस था उसमें क्या था, हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालनी थी रिजल्टेंट की, तो वो हमने निकाल ली। सेकेंड केस में कह रहा है ऑल्सो डिटरमाइन द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस की मैक्सिमम इंटेंसिटी निकाल ली इन द मटेरियल एट द पॉइंट, ठीक है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला है, मैक्सिमम के लिए क्या होगा कि ये जो साइन टू थीटा है इसकी वैल्यू अगर हमें मैक्सिमम मिल जाए तो हमारा ये मैक्सिमम हो जाएगा। साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1, तो साइन टू थीटा की जगह पे हम 1 रख देंगे, ठीक है। ये हमें फॉर्मूला मिल जाएगा, साइन टू थीटा की जगह हमने 1 रख दिया। नाउ सारी वैल्यूज पुट कर देंगे एंड हमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मिल जाएगी, जो क्या होगी 150 न्यूटन पर एमएम क्यूब सॉरी स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा, बस हमें फॉर्मूले याद रखने हैं एंड उनको सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।